नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सोनीपत में ग्रीवेंस की मीटिंग में हुई 14 शिकायतों की सुनवाई, 9 का मौके पर समाधान। सोनीपत अवैध माइनिंग करवाने वाले और माइनिंग करने वाले ठेकेदार के खिलाफ करवाया जाएगा पर्चा दर्ज। अगर सोनीपत जिले में कहीं भी अवैध माइनिंग होती है तो माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। अवैध माइनिंग के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपना रही है। कांग्रेस के चिंतन को लेकर कहा, कांग्रेस को पार्टी के नेताओं का चिंतन है, प्रदेश का नहीं है चिंतन। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त पर सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय और प्रत्येक घर पर होगा तिरंगा झंडा। विधायकों को धमकी देने वाले अपराधियों को प्रदेश में नहीं है कोई जगह। माइनिंग को लेकर नगरपालिका, नगर परिषद, सरपंच, SSO को अवैध माइनिंग होने की जानकारी देने के लिए रखा जाएगा, शामिल सभी करेंगे निगरानी। उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमने ये भी कहा है कि जिस अगर कोई माइनिंग कराता है, कोई आदमी माइनिंग करने वाला ठेकेदार और कोई अपने खेत में, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे और माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे। ये नहीं कि माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ, जो उसमें मिली भगत से करा रहा है उसके खिलाफ। जहाँ सरकारी नगर परिषद नगर पालिका में कोई अवैध माइनिंग होती है, उन अधिकारियों को बीच में रखेंगे जो अधिकारी वहाँ के नगर परिषद नगर पालिका के हैं, न्यायपालिका, और कोई सरपंच है सरपंच को भी उन्होंने रखेंगे कि सरपंच एक एक जानकारी अपने पुलिस में दें, थाने में, और थाने के SHO को भी रखेंगे उसमें, कि बिना SHO की जानकारी के पता नहीं हो सकता। हम इन सबको उन्होंने रखेंगे और माइनिंग के दारी फॉरेस्ट को भी इस सबको रखेंगे कि इस तरह की ना हो प्रदेश। सरकारी जो समय समय पर जानकारी मिलती है, जो निर्वाह का इलाका है राजस्थान से लगा, और राजस्थान की जानकारी जो धीरे धीरे जानकारी पता लगी कि जानकारी जंगल है, उनके रास्ते नहीं है, रास्ते काट के तो मकान के लिए, तो दुकान के लिए, और दाल वगैरह को बेच देता है। हम लोगों को काम नहीं है, मकान के लिए पत्थर वहीं से निकालते हैं, अगर उन्हें पशुओं के लिए बना वो भी वहीं से निकालते हैं। पहले इस तरह होता रहा था, पहले इस तरह होता रहा लेकिन जरूरत पूरा करने आप बोर्ड से ही जमीन देते और आपके कब्जा नहीं करना चाहते बात करते आपको, तो आपको काम नहीं कर सकते, आप तो काम कर नहीं पा रहे आपको, ना तो उसका डिफेंस का ये कब्जा और करा दे दूसरा। 3 फुट नहीं है, 3 मीटर है, उससे 20-20 मिनट हो जा रही थी। इसलिए क्या है कि जहाँ इस तरह की आप बात करें, पूरे प्रदेश में आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ कि लोग जो बार बार मेरे मित्र कहते हैं ना माइनिंग के बारे में, और माइनिंग का जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन जितना हुआ है, इतना कभी प्रदेश में हुआ नहीं। जो पूर्व की सरकार में जो माइनिंग की बात करते हैं, उनके समय में माइनिंग मात्र 40 करोड़ साल की थी, 40 करोड़ साल, और अपने समय माइनिंग 1072 करोड़ तक पहुँची। 2010 में माइनिंग सबको न्यायपालिका की जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई। हमने ये भी कहा है कि जिस अगर कोई माइनिंग कराता है, कोई आदमी माइनिंग करने वाला ठेकेदार और कोई अपने खेत में, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे और माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे। ये नहीं कि माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ, जो उसमें मिली भगत से करा रहा है उसके खिलाफ। जहाँ सरकारी नगर परिषद नगर पालिका में कोई अवैध माइनिंग होती है, उन अधिकारियों को बीच में रखेंगे जो अधिकारी वहाँ के नगर परिषद नगर पालिका के हैं, न्यायपालिका, और कोई सरपंच है सरपंच को भी उन्होंने रखेंगे कि सरपंच एक एक जानकारी अपने पुलिस में दें, थाने में, और थाने के SHO को भी रखेंगे उसमें, कि बिना SHO की जानकारी के पता नहीं हो सकता। हम इन सबको उन्होंने रखेंगे और माइनिंग के दारी फॉरेस्ट को भी इस सबको रखेंगे कि इस तरह की ना हो प्रदेश में। अपने 2010-11 में 78 करोड़, 2011-12 में 87 करोड़, 2012-13 में 70 करोड़, 2012-13-14 में माइनिंग 81 करोड़, 14-15 में 43 करोड़, 15-16 में 265 करोड़, 16-17 में 494 करोड़, 17-18 में 712 करोड़, 18-19 में 583 करोड़, और 19-20 में 702, और 20-21 में 1019 करोड़, और 21-22 में 839 करोड़।
अगर ये जो पैसा जो माफियान की जेब में जाता है, क्राइम बढ़ता, क्राइम पनपता, आज सरकार के खजाने में डाल देता, काम किया है, मुकदमे दर्ज करे हैं, 350 मुकदमे FIR दर्ज किए, जिन लोगों ने अवैध खनन का उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, अगर ये कार्रवाई ना होती ना तो सरकार का खजाना भरता और ये पैसा माफियाओं के बोझ में जाने काम करता। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। उन विपक्ष के लोगों से पूछे तुमने क्या किया, तुम बताओ ना, 48 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 71 करोड़, इस सरकार ने काम किया। सरकारी जो समय समय पर जानकारी मिलती है, जो मेवात का इलाका है राजस्थान से लगा, और राजस्थान की जानकारी जो धीरे धीरे जानकारी पता लगी कि जानकारी जंगल है, उनके रास्ते नहीं है, रास्ते काट के कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए और दाल वगैरह को बेच देता है। वही लोगों को काम नहीं है, मकान के लिए पत्थर वहीं से निकालते हैं, अगर उन्हें पशुओं के लिए बनाया वो भी वहीं से निकालते हैं। पहले इस तरह होता रहा था, पहले इस तरह होता रहा जरूरत पूरा करने सारे जो समय समय पर जानकारी मिलती है, जो मेवात का इलाका है राजस्थान से लगा, और राजस्थान की जानकारी जो धीरे धीरे जानकारी पता लगी कि जानकारी जंगल है, उनके रास्ते नहीं है, रास्ते काट के कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए और दाल वगैरह को बेच देता है। वही लोगों को काम नहीं है, मकान के लिए पत्थर वहीं से निकालते हैं, अगर उन्हें पशुओं के लिए बनाया वो भी वहीं से निकालते हैं। पहले इस तरह होता रहा जरूरत पूरा करने दरंगा है। देश के 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मनना है 15 अगस्त, और पूरे देश में हर घर पे, चाहे प्राइवेट सरकारी, हर जगह झंडा होगा, हर देश के 130 करोड़ लोगों के हाथ में झंडा होगा, और ये देश के लिए सभी लोग सभी धर्म काम करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की अपनी पार्टी है, उनका अपना चिंतन मंथन है, अभी तो राज्य सभा का जो चुनाव हुआ उसी के चिंतन से निकल नहीं पाए, कि अभी तो अपने पार्टी के नेताओं का चिंतन है, प्रदेश का चिंतन नहीं है उनको। उनको तो चिंतन ये है कि राज्यसभा की सीट कैसे हारे, कैसे जीते, प्रदेश का तो उनके समय पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जो आम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जिसको जिसकी सोच है दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी की सोच, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आम आदमी के व्यक्ति के बारे में सोचती है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई। हमने ये भी कहा है कि जिस अगर कोई माइनिंग कराता है, कोई आदमी माइनिंग करने वाला ठेकेदार और कोई अपने खेत में, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे और माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ भी पर्चा दर्ज करेंगे। ये नहीं कि माइनिंग के ठेकेदार खिलाफ, जो उसमें मिली भगत से करा रहा है उसके खिलाफ, जहाँ सरकारी नगर परिषद नगर पालिका में कोई अवैध माइनिंग होती है उन अधिकारियों को बीच में रखेंगे, जो अधिकारी वहाँ के नगर परिषद नगर पालिका के हैं, न्यायपालिका, और कोई सरपंच है सरपंच को भी उन्होंने रखेंगे कि सरपंच एक एक जानकारी अपने पुलिस में दें, थाने में, और थाने के SHO को भी रखेंगे उसमें, कि बिना SHO की जानकारी के पता नहीं हो सकता, हम इन सबको उन्होंने रखेंगे। और माइनिंग के अधिकारी फॉरेस्ट को भी इस सबको रखेंगे कि इस तरह की ना हो प्रदेश में। अपने 2010-11 में 78 करोड़, 2011-12 में 87 करोड़, 2012-13 में 70 करोड़, 2012-13-14 में माइनिंग 81 करोड़, 14-15 में 43 करोड़, 15-16 में 265 करोड़, 16-17 में 494 करोड़, 17-18 में 712 करोड़, 18-19 में 583 करोड़, और 19-20 में 702, और 20-21 में 1019 करोड़, और 21-22 में 839 करोड़। अगर ये जो पैसा जो माफियान की जेब में जाता है, क्राइम बढ़ता, क्राइम पनपता, आज सरकार के खजाने में डाल देता, काम किया है, मुकदमे दर्ज करे हैं, 350 मुकदमे FIR दर्ज किए, जिन लोगों ने अवैध खनन का उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, अगर ये कार्रवाई ना होती ना तो सरकार का खजाना भरता और ये पैसा माफियाओं के बोझ में जाने काम करता। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। उन विपक्ष के लोगों से पूछे तुमने क्या किया, तुम बताओ ना, 48 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 71 करोड़, इस सरकार ने काम किया। 3 फुट नहीं है, 3 मीटर है, 20 मीटर खोद जा रही थी। इसलिए क्या है कि जहाँ इस तरह की आप बात करें, पूरे प्रदेश में आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ,
कि लोग जो बार बार मेरे मित्र कहते हैं ना माइनिंग के बारे में, और माइनिंग का जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन जितना हुआ है इतना कभी प्रदेश में हुआ नहीं। जो पूर्व की सरकार में जो माइनिंग की बात करते हैं उनके समय में माइनिंग मात्र 40 करोड़ साल की, और अपने समय माइनिंग 1072 करोड़ तक पहुँची। 2010 में माइनिंग